हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी क्रूज़। और मैं हूं सुकेश। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है टोटली हटके, क्योंकि आज हम बात करेंगे इसके डिजिटल एनालॉग मीटर के KMPH यानी किलोमीटर पर आवर में जो बताता है वो सही बताता है कि नहीं। कई लोगों ने टेस्ट किया है इसको, सिर्फ एवेंजर पे ही किया है और ये गूगल का GPS के थ्रू किया है, और उसमें इन्होंने बोल दिया कि नहीं, इसमें गलत बताता है, एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्होंने दूसरे व्हीकल के साथ इसको टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैं दूसरे व्हीकल के साथ भी टेस्ट करूंगा और सेम गूगल की GPS के साथ टेस्ट करूंगा। उसके बाद हम किसी फाइनल आउटकम पे जाएंगे कि ये कोई टेक्निकल इशू है या फिर रियली में कोई प्रॉब्लम है एवेंजर के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। और फ्रेंड्स, फाइनली बाइक पे आ चुका हूँ मैं, और जो बाइक अभी चल रही है वो नॉर्मल स्पीड में है, और हम नॉर्मल स्पीड में ही इसको देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि थोड़ी विजिबिलिटी ज़्यादा रहे, यानी कि गूगल का GPS और इसमें। तो आप देख सकते हैं इसके अलग अलग स्पीड मोड में दोनों बिल्कुल सिंक नहीं कर रहे हैं, मैच बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर वो 55-54 दिखा रहा है तो ये 47-48 इस तरह से ये मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जिस स्पीड में भी बाइक चल रही है उसमें कहीं से भी ये प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा है। और मैं इसको थोड़ा स्पीड कम करके देखता हूँ, फिर देखता हूँ। अभी 19 हो गया और फिर भी, लेकिन स्पीड कम करने के बाद भी जो है ये सिंक नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। अलग अलग मोड अभी भी इसमें जो है दिखा रहा है कि कहीं भी सिंक नहीं हो रहा है, यानी कि जो बाइक का किलोमीटर पर आवर जो एनालॉग मीटर बता रहा है और जो गूगल का बता रहा है, ये दोनों में अंतर है, एक जैसा बिल्कुल नहीं है। और कहीं भी इसको आप किसी भी स्पीड में आप देख लो, कहीं भी एक जैसा नहीं है। आपको मेरे ख्याल से इस वीडियो में दिख रही होगी चीज़ें, और मैंने कोशिश यही की है कि मैं जितने नज़दीक जा कर के आपको इसमें दिखा सकूं, तो आप इसको जज कर सकें कि कैसा मतलब ओवरऑल हो रहा है ये। और फिलहाल कहीं से भी कोई भी पॉइंट पे मैच नहीं किया ये, और आप देख सकते हैं कि बाइक की स्पीड ज़्यादा दिख रही है और गूगल में जो GPS है वो हमेशा कम दिखा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ये हार्डली आपको जो कम दिखा रहा है वो 5-6-4-5 ऐसे कम दिखा रहा है, यानी अगर यहाँ 60 आ रहा है तो ये आपको 55 दिखा रहा है। तो इसी टाइप से अलग अलग जो भी स्पीड में इसे यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो भी स्पीड में कर रहा हूँ, हर जगह पे कहीं भी स्पीड सिंक नहीं कर रहे उस किलोमीटर पर आर के उसके, और ये आपको बिल्कुल अपने ही ढंग से दिखा रहा है गूगल का GPS। तो आप देख सकते हैं कहीं भी ये स्पीड मैच नहीं कर रही, कहीं भी नहीं। सिंक की बात करें तो थोड़ा भी नहीं इसका हो रहा है कि हाँ दोनों स्पीड एक जगह भी बराबर हो ना, कहीं मैच नहीं कर रहा है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अब रियल टेस्ट ये है कि क्या यहाँ मैच नहीं कर रहा है तो किसी दूसरे व्हीकल पे ये मैच करता है कि नहीं करता है। अगर वहाँ पर मैच कर रहा है दूसरे व्हीकल में, यहाँ नहीं कर रहा है, तो हम इसको इशू बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें मैच हो रहा है तो सब में, अगर इसी ढंग से चीज़ें चल रही हैं, तो फिर आप बाइक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि बाइक में इशू है। तो हम दूसरे व्हीकल्स में भी अभी करके देखते हैं, और उसके बाद फिर हम फाइनल आउटकम देखेंगे कि क्या एक्चुअल आता है। तो ये चीज़ें फिलहाल आप देख सकते हैं बाइक का ओवरऑल कैसा चल रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बाइक के अलग अलग स्पीड के साथ यहाँ दिखाता हूँ, और आप खुद ही जज करेंगे कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप खुद इसको जज करें।
आ चुका हूँ स्कूटी पे और अब इस पे टेस्ट करके देखते हैं। हालांकि मोबाइल होल्डर नहीं है सो प्रॉब्लम, मुझे वन हैंड ही इसको हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो भी हम इसमें एक्यूरेसी देख सकें और जो हम चाहते हैं करना वो कर सकें वो ज़्यादा बेटर होगा। तो लेट्स सी और लेट्स गो। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाइक के स्पीड के साथ इसकी जो एक्यूरेट मैचिंग है वो बिल्कुल नहीं हो रही है स्कूटी की स्पीड के साथ, और यहाँ 40 है तो ये 36 37 ही दिखा रहा है, यानी यहाँ पर भी ये मैचिंग प्रॉपरली बिल्कुल नहीं है जैसा कि हम सोच रहे थे। यानी कि जो एवेंजर के साथ में मिसमैचिंग हो रही थी वो यहाँ पर इसके साथ भी हो रही है। यानी स्कूटी के साथ भी जो ओवरऑल आप स्पीड देख सकते हैं कि अगर 40 पे जा रही है स्कूटी, जो भी आगे पीछे हो रही है स्पीड, बिल्कुल उसके साथ सिंक नहीं कर रहा है ये गूगल का GPS। तो इस तरह से अभी दो टेस्ट, जो दो व्हीकल पे हमने टेस्ट किया, तो ये हमने ज़रूर देखा है कि यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एवेंजर के साथ प्रॉब्लम है जिसके कारण स्पीड मैच नहीं हो रही है। आई थिंक नेटवर्क का इशू हो सकता है या GPS के जो स्पीड है, जो उसका जो ओवरऑल जो उसकी टेक्निकल चीज़ें होंगी उसके कारण कहीं ना कहीं कोई इशू आ रहा होगा। बट हम जो एक मोटा मोटा अगर एक बात अगर उसको लेके चले कि जो हमें सामने जो दिखता है उस बारे में बात करें, तो हम बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल ही मैच नहीं किया। फिलहाल किसके साथ? एवेंजर और स्कूटी दोनों के साथ में मैच नहीं कर रहा है, और किसी भी स्पीड पे आप देख सकते हैं, जबकि इसका स्पीडोमीटर एनालॉग है तो यहाँ पे आपको डिजिटल नहीं आ रहा है, और एनालॉग है तो कई बार होता है कि एनालॉग में एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़िया होती है। तो आप देख सकते हैं कि एनालॉग में भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि एक जगह पे डेटा कहीं भी मैच किया हो, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर ये 48 है, 40 है तो ये 38 दिखा रहा है, 36 दिखा रहा है, तो मैच बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप इसको हर स्पीड में आप देख सकते हो, आप खुद ही जज कर लो और आप खुद देख के देखो इसमें। यहाँ पे कहीं नहीं मैच कर रहा है, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि एवेंजर और स्कूटी दोनों में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि एवेंजर में स्पीडोमीटर गलत दिखा रहा है, दोनों जगह सेम रिजल्ट है अभी तक। और फ्रेंड्स फाइनली आई मीन कार, और अब यहाँ पे टेस्ट करते हैं इसका स्पीड गूगल के GPS के साथ सिंक करके देखते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता है। कार 40 पे गई, स्पीड जो है यहाँ पे 33 दिखा रहा है GPS गूगल का, और प्रॉपर 40 पे गई, अभी ये 35 36 पे आ गया। तो आप देख सकते हैं अलग अलग स्पीड में इसका रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा नहीं आ रहा है, यानी सिंक नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, और रिजल्ट जो है बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट ये दे रहा है जैसा कि हमने बाइक और स्कूटी में देखा है। अभी तक तो रिजल्ट ऐसे ही आ रहा है, एक दो बार और हम थोड़ा स्पीड आगे पीछे करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट अलग आता है या सेम आता है। तो अभी जो मैं स्पीड बढ़ा के भी देखा, 60 के पास कार ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है ये, लेकिन स्पीड 55 दिखा रहा है GPS में गूगल के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्पीड आप जैसे भी कर ले, लेकिन सिंक नहीं कर रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं मिसमैच आपको है ही है। तो फ्रेंड्स अभी और भी अगर हम थोड़ा सा मोड चेंज करके देख ले कार के स्पीड का जो है, और उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, थोड़ा कम करके देख ले तो क्या दिख रहा है, 20 है तो ये 16 दिख रहा है। और हम स्पीड को थोड़ा और भी अलग अलग डिफरेंट उस पर चेक कर लेते हैं कि अलग अलग स्पीड पे क्या आता है। तो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं कार की और देखते हैं, तो आप देखेंगे 60 गई तो 54 दिख रहा है, और थोड़ा और आगे जाके देखते हैं तो ये कार 80 पहुंची तो ये 72-70 दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस तरह से ये 80 से प्लस गई तो 77 दिख रहा है। तो ओवरऑल आप देखो तो ये बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही सिंक नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स जिस भाई ने ये वीडियो, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर में किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जिन्होंने डाली और जिन्होंने ये बोला कि एवेंजर में ये प्रॉब्लम है, और आज मेरा दिल बहुत दुखी हो गया इस चीज़ को, तो हमें लगता है कि अभी जब भी आप किसी रिजल्ट पे पहुंचो तो आपको आई थिंक बाकी सबके साथ भी चेक करना चाहिए, तभी अगर फाइनल आउटकम पे आप जा सकते हो कि हाँ एवेंजर के डिजिटल एनालॉग मीटर में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वो स्पीड गलत दिखा रहा है और वो सही नहीं है। लेकिन मैंने इसको तीन तीन व्हीकल के साथ में टेस्ट किया और हर जगह देखा कि ये गूगल के GPS के साथ स्पीड इसकी बिल्कुल मैच नहीं करती है, बिल्कुल सिंक नहीं करती है, और हमेशा 5 से 10 के बीच का डिफरेंस रहता रहता है। तो आप कभी नहीं, वो ये नहीं बोल सकते आप कि ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ और सिर्फ एवेंजर के साथ है, ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू होगा, GPS नेविगेशन का कोई प्रॉब्लम होगा जिसके कारण आप इस पर बिल्कुल वो नहीं कर सकते हो, और आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हो हर एक बाइक
के ऊपर, स्कूटी के ऊपर या कार के ऊपर, और एवेंजर के ऊपर तो बिल्कुल ही दिल से भरोसा कर सकते हो कि इसका कोई भी जो डिजिटल जो स्पीडोमीटर दिखाता है उसमें कहीं से भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हम प्रूफ कर पाए कि एवेंजर का डिजिटल स्पीडोमीटर एकदम परफेक्टली काम करता है। अगर वो गलत है तो बाकी सभी व्हीकल्स के स्पीडोमीटर गलत शो करते हैं। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सजेशन ज़रूर दें। इंस्टाग्राम पे आप देसी क्रूज DC के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।